इसका टाइमिंग बिल्ट है नया, इसका प्राइस है पार्ट नंबर यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। टाइमिंग से होल लॉक बिल्ट में चला गया और वो बेल्ट को डैमेज कर, जिसकी वजह से हमारा टाइमिंग जंप हो गया था। तो मैं लॉक इसका चेंज करने का रीज़न क्या था ना, ये बेल्ट डैमेज हो गया था और गाड़ी के अंदर क्रैंक और कैम का लाइट कोड आने लगा था, जिसकी वजह से चेक। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज मैं इस ब्लॉग में आपको बताने वाला हूँ टाटा सफारी या फिर हैरियर का जो 2023 का मॉडल है एडास, उसमें आपका टाइमिंग बेल्ट रिप्लेस करने का जो टाइमिंग का लॉक होता है वो कैसे कहाँ पे लॉक करना रहता है, मैं आपको प्रॉपर बताने वाला हूँ। मैंने टाइमिंग बेल्ट रिमूव कर लिया, सब कुछ खोल के यहाँ पे रख दिया हूँ। आपको ये सब आगे का फेंडर कवर मतलब फेंडर लाइन खोलना पड़ता है, एंड यहाँ से आपको डीजल फिल्टर असेंबली निकालना पड़ता है, कूलेंट का डब्बा भी निकालना पड़ता है, एंड यहाँ पर जो भी आपका कवर रहता है वो भी निकाल के ले लेने का, एंड माउंटिंग वगैरह सब रिमूव कर देने का। एंड सबसे पहले आपको यहाँ पे एक टैपिट कवर के ऊपर एक एलेंकी का कैप आएगा, वो दिखाता हूँ, 8 नंबर का एलेंकी से खोल लेने का, और यहाँ से स्पेशल टूल की मदद से इसको कैम को लॉक कर देना। यहाँ पे कैम लॉक होता है एंड आपका क्रैंक लॉक नीचे होता है, अब क्रैंक लॉक नीचे होता है जैसा कि मैंने लॉक करके रखा है, मैं आपको एक बार निकाल के दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास स्पेशल टूल्स है, तो आपका क्रैंक लॉक करने के लिए आपको यहाँ का बोल्ट खोल के ले लेने का, 10 नंबर का वहाँ पे बोल्ट लगता है, ये बोल्ट आता है, तो यहाँ पर खोल के ले लेने का और आपका स्पेशल पाना यहाँ पे टाइट कर देने का, वाला टाइट कर देने का, और आपका स्पेशल जो टूल है ना उसमें लॉक होता है, क्रैंक लॉक होता है। आपको जो ये देख रहे हो ना क्रैंक खुलने पे नोब लॉक देख रहे हो, ये लॉक आके यहाँ पे इस होल में लॉक रहता है और यहाँ पे ये वाला लॉक हो जाता है, आपका यहाँ पर क्रैंक प्रॉपरली लॉक हो जाता है। ये अभी यहाँ पे लॉक हो गया, जैसा कि आप देख रहे हो वीडियो में यहाँ पे लॉक हो गया, यहाँ पे आप नट लगा के इसको प्रॉपर लॉक कर देंगे और यहाँ पे प्रॉपर लॉक हो जाता है, और यहाँ पे पुल्ली का जो बोल्ट खोले रहते हैं ना इसको टाइट कर देंगे तो और भी आपका चांसेस नहीं रहेगा छटकने का लॉक, ठीक है। तो क्रैंक लॉक एक हो गया, ऊपर का जो कैम का लॉक है वो मैंने आपको बताया कैम लॉक कैसे होता है, एंड बेल्ट इंस्टॉल कर देने का, एंड बेल्ट पर मार्किंग आता है, ये हमारा जूना बेल्ट है। इसका चेंज करने का रीज़न क्या था ना, ये बेल्ट डैमेज हो गया था और गाड़ी के अंदर क्रैंक और कैम का लाइट कोड आने लगा था, जिसकी वजह से चेक इंजन लाइट और बहुत सारे ऐसा कोड जनरेट हो गया था, और इंजन ना मतलब लेट स्लिप लेता था, लॉन्ग स्लिप लेता था, और गाड़ी में पिकअप बिल्कुल भी नहीं था, मतलब टाइमिंग हमारा जंप हो गया था जैसा कि आप देख रहे हो बेल्ट में। और जंप होने का रीज़न क्या है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने खोला, खुलने के बाद हमको पता चल गया था कोड से कि बस टाइमिंग का ही शॉर्ट है। खोला तो यहाँ पे जो ऑटो टेंशनर का पुल्ली है ना, ये ऑटो टेंशनर का पुल्ली रहता है, और यहाँ पे जो लॉक रहता है ना, ये लॉक, एक मिनट, यहाँ पे जो लॉक रहता है ना, यहाँ पे एक लॉक टाइट रहता है, एक सेटिंग वाला लॉक रहता है यहाँ पर, वो लॉक गिर गया था खुल के, वो कैसा गिर गया था मालूम नहीं बट खुल के गिर गया, जिसकी वजह से वो लॉक बेल्ट में चला गया और वो बेल्ट को डैमेज कर, जिसकी वजह से हमारा टाइमिंग जंप हो गया था। तो मैं लॉक निकाल के मैं खोला तो लॉक यहाँ पर गिरा हुआ मिला था मेरे को, निकाल के रखा यहाँ पे रखा उसको, देखिए आप देख रहे हो यही लॉक होता है ऑटो टेंशनर का, जिसमें ऑटो टेंशनर का पीछे वाला पट्टी यहाँ पे आके लगता है, ये यहाँ पे टाइट होता है, यहाँ पे ऐसा टाइट हो जाता है, जिसकी वजह से पट्टी यहाँ पे लग जाता है, तो ये लॉक निकलने की वजह से अपने गाड़ी में ये सब फॉल्ट क्रिएट हो गया था। अच्छा हुआ कि टाइमिंग बेल्ट मतलब इंजन मतलब कुछ अंदर नुकसान नहीं हुआ, फिर भी गाड़ी चालू था, यहाँ पे गिरा हुआ था।